इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख रहे थे, है ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसमें क्या क्या देख लिया था, कल्चर पर देख लिया था, है ना, कल्चर पर देख लिया था। अब कल्चर के अलावा बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ स्टेट है, स्टेट के अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो सारा देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने कल्चर में देखा था होमोजेनाइजेशन क्या था, ग्लोकलाइजेशन क्या था, ये सब देख लिया था, रिवाइवल ऑफ कल्चर भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन काहे पर, फैमिली पर क्या इम्पैक्ट होता है ना, ठीक। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली, ठीक है, ये काहे पर देख रहे हैं हम, फैमिली पर, है ना। अब देखो ट्रेडिशनली, वैसे फैमिली क्या बताया था मैंने आपको कि फैमिली क्या होती है, एक बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होती है ना, और फैमिली देखा था जॉइंट फैमिली भी होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है, ठीक है ना। सिंस इंडिपेंडेंस अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की जो सोसाइटी है वो काफ़ी चेंजेस उसमें आ चुके हैं, है ना। काफ़ी पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर होता था, अब वो जो कल्चर है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जो स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली है उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, इसमें क्या चेंजेस आ चुका है कि भाई मैंने क्या बताया, अब फैमिली जो है, फैमिली में यंगर जनरेशन जो है उनकी जो मोबिलिटी हो गई है वो अब इंक्रीज हो गई है, जहाँ पर वो मूव हो जाते हैं अब इन सर्च ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना। इसके कारण क्या हो रहा है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के कारण और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण जो यंगर जनरेशन होती है फैमिली में वो मूव आउट कर जाती है। मूव आउट करने का मतलब क्या है, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो रिलेशन होते हैं, है ना, जो फैमिली रिलेशन होते हैं उनके उनकी फैमिली के प्रति वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, ज्वाइंट, इसके कारण डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है ज्वाइंट फैमिली का, क्योंकि भाई मेजोरिटी ऑफ द पीपल फैमिली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई फैमिली का स्ट्रक्चर जो था, पहले एक ज्वाइंट फैमिली था, एक्सटेंडेड फैमिली था, अब वो न्यूक्लियर फैमिली के पैटर्न में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है तो आपको पता है इसका कारण, ठीक है, वो एजुकेशन कारण हो सकता है, वो आपका एम्प्लॉयमेंट कारण हो सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली में आप बता दोगे ज्वाइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव हो रहा है। रीज़न क्या है तो आप बता दोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन, इसके इन दोनों के ही कारण क्या हो रहा था, इन दोनों के कारण जो यंगर जनरेशन है, यंगर जनरेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करती है, मूव आउट कर जाती है फैमिली से, है ना। तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है हमको, जो एक स्ट्रक्चर होता है फैमिली का वो टूट गया, वो बिगड़ गया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट ये समझना है कि भाई अदर तरीके की जो फैमिली होती है वो इमर्ज हो रही है ना। इसके साथ साथ न्यू टाइप्स ऑफ, न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली, आर इमर्जिंग, जैसे कि इस तरीके की फैमिली इमर्ज हो रही है। तो आप बता सकते हो कि भाई सिंगल पेरेंट जो होते हैं, सिंगल पेरेंटिंग का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है, कोहैबिटेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, लिव इन रिलेशनशिप का को बढ़ावा मिल रहा है, फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड का समय आ गया, पहले मेल हेडेड हाउसहोल्ड चलते थे, डुअल कैरियर हो गया फैमिली का, समझ में क्या, मतलब दोनों काम करते हैं, ठीक है ना, काम भी करते हैं परिवार भी देखते हैं, तो डुअल बर्डन हो गया है दोनों पर ही, हस्बैंड भी काम करते हैं और वाइफ भी काम करती है, ठीक है ना। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। तो न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली आर इमर्जिंग, इसमें आप बता दोगे जो कोहैबिटेशन है वो बढ़ रहा है, जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो बढ़ रहा है, उसके अलावा सिंगल पेरेंटिंग बढ़ रहा है ना। सिंगल पेरेंटिंग का आजकल देखोगे कि भाई अकेले ही वुमेन क्या करते हैं, शादीशुदा नहीं रहती बट वो बच्चे वगैरह को अडॉप्ट करके उनको पाल लेते हैं, ठीक है ना, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप है, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, डुअल कैरियर फैमिली देखिएगा, डुअल कैरियर फैमिली मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि डुअल कैरियर में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, इसके साथ साथ डुअल बर्डन है, डुअल बर्डन है मतलब समझ रहे हो ना, कि
भाई फैमिली का भी डोमेस्टिक काम भी देखना है, इकोनॉमिक काम भी देखना है, इसको बोल रहे हैं हम डुअल बर्डन। तो ये डुअल बर्डन बढ़ गया, ये सब क्या है, ये तो खैर उसको डुअल बर्डन अपन फंक्शन में लिख लेंगे। अभी डुअल कैरियर बस समझ लो, है ना, डुअल कैरियर मतलब दोनों जब काम करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डुअल कैरियर। ये तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली में क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अपन, फंक्शंस ऑफ द फैमिली में। फंक्शंस ऑफ द फैमिली भी चेंज हो गए। कैसे फंक्शन ऑफ द फैमिली चेंज हो गए, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, जो फैमिली बॉन्डिंग है, टाइज है, जो एक फैमिली बॉन्डिंग होती थी, जो एक टाइज होती थी, वो अब लूज होने लगी है। क्यों? क्योंकि आपस में फिजिकल डिस्टेंस बढ़ गए हैं। फिजिकल डिस्टेंस का बढ़ने का मतलब क्या है, लोग काम में लग गए हैं, इधर उधर चले जाते हैं, मूव आउट कर जाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर्स जो एक साथ पहले एक ही हाउस के अंदर रहते थे, अब वो थोड़ा सा जो ये फिजिकल डिस्टेंसेस हैं ये सब बढ़ गए। इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई जो एक फैमिली को एक आइडियल फैमिली जो एक नोशन होता था, आइडियल फैमिली का काहे का नोशन होता था, केयरिंग करने का, नर्चरिंग करने का, है ना, अपने बच्चों को, ठीक है, अपने जो सिक पर्संस हैं, जो एल्डरली पर्संस हैं, ये एक जो नोशन बना था कि एक फैमिली इनका केयर करती है, नर्चर कर रही है, ये फंक्शन जो है अब धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई, बड़े बुजुर्गों को देखने के लिए कोई रहता नहीं है, बच्चों को देखने के लिए कुछ नहीं है। आजकल इनकी जगह कौन ले लिया है, जो ओल्ड एज होम्स होते हैं और जो क्रेच फैसिलिटीज होती हैं वो इनका रोल लेते जा रही है। समझ में आ गया। और तो और जैसे जैसे वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है ना, तो ये जो केयर ऑफ एजेड पर्सन है और केयर ऑफ चिल्ड्रन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। समझ में आ गया। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ द फैमिली, पहले क्या, यहाँ पे पहला क्या बोल दिया मैंने आपको कि केयरिंग केयरिंग का जो रोल है वो कम हो गया। किसका, एजेड पर्सन का भी केयरिंग और चिल्ड्रन का भी केयरिंग, ठीक है ना। इसके साथ साथ आजकल जो पार्टनर फाइंड करने का हो गया है, तो ये सब इनकी जगह कौन ने ले लिया है, ये सब आपका ये Shaadi.com, भारत मैट्रिमोनी, है ना, ये सब ने ओवरटेक कर लिया। पहले क्या होता था, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता था फॉर फाइंडिंग द ग्रूम एंड ब्राइड, लेकिन अब ये जो रोल है वो डिक्रीज हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इवन आजकल बिना माँ बाप से चर्चा किए, बिना पेरेंट्स को बताए, बिना उनसे डिस्कस किए ये सारी चीजें कर ली जाती है ना। पहले वहीं पे मैंने क्या बताया कि भाई जो पहले जो मैरिज था उसको एज अ बहुत सेक्रेड फेस्टिवल की तरह देखा जाता था, है ना, वो एक पूरा एक रिचुअल होता था, एक रिलीजियस रिचुअल उससे जुड़ा हुआ था, जहाँ पर लोग क्या करते थे, इंटरेक्शन होता था सबका, सबके साथ वो सब चीजें की जाती थी, ठीक है ना। मैरिज में पार्टिसिपेशन होता था, उनके फैमिली ही डिसाइड करती थी, फैमिली ही हमारी ढूंढती थी ग्रूम को और ब्राइड को। बट अब क्या हो गया कि भाई इन सब चीजों की जगह Shaadi.com, भारत मैट्रिमोनी, JeevanSathi.com, इन सब चीजों ने, ये जो वेबसाइट्स है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, इन्होंने उसकी जगह ले ली है ना। और पहले याद करो, पहले जो ट्रेडिशन था काय के चलता था, अरेंज मैरिज का चल रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे डिक्लाइनिंग में है, बट अभी भी रेलेवेंट तो है, चल तो रहा ही है, बट क्या है, डिक्लाइनिंग फेज देखने को मिल रहा है इसका। समझ में आ गया ना, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट वहीं पर बात कर रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कि भाई इसका ट्रेडिशनल रोल क्या था कि एजुकेशन इम्पार्ट करना, किस पर एजुकेशन इम्पार्ट करना, यंगर जनरेशन पर, अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाना, अच्छे अच्छे उनको वैल्यूज इंकलकेट करना। लेकिन ये रोल अभी क्या हो गया है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ने ले लिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता जा रहा है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हो गया, ये जो जो फैमिली पहले सर्व करती थी, एक रोल सर्व करती थी फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू यंगर जनरेशन, अब ये रोल जो है वो टेक ओवर कर लिया जा रहा है किसके द्वारा, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे कि अब देखो कि भाई वहाँ पे जो किंडर गार्डन होते हैं वहाँ पर बच्चों को भेज दिए जाते हैं, और ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि जितना महंगे से महंगे किंडर गार्डन में जाके भेजो तो उतना अच्छा है, तो ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। समझ में आ गया ना। तो वहीं पर मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई प्राइमरी रोल क्या था, जो प्राइमरी रोल होता था, मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन था, है ना, और वहीं पर एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल होते थे। फैमिली का फंक्शन पहला क्या था, देखो एक ये एजुकेशन वाला आपने बता दिया, दूसरा आपने बता दिया कि सोशल
सोशल कंट्रोल करती थी। सोशल कंट्रोल मतलब जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, ये दादा दादी लोग इसमें खूब इंटरफेरेंस पहले रहता था। वो नहीं चाहते थे कि कहीं से बच्चा कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, है ना, कोई गलत काम ना कर बैठे, इन सब चीज़ों पर बहुत वो रहता था, इसीलिए उन पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता था, सोशल कंट्रोल होता था। समझा क्या कि दादा दादी चाचा चाची ये सब लोग क्या करते थे, आपको आप कुछ भी चीज़ें करते थे तो आपके मन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता था कि भाई ये मेरे को आंसरेबिलिटी होना हो सकता होना पड़ेगा बात के लिए। तो अब ये जो सोशल कंट्रोल है ये कमजोर हो गया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली तो है ही नहीं, फैमिली डिक्लाइन हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, सब बढ़ गए हैं, इधर उधर स्कैटर्ड हो गए हैं, तो अब क्या हो गया, क्वेश्चन वगैरह का सवाल जवाब नहीं, कौन कहाँ आ रहा है, किसके साथ गाड़ी में घूम रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, ठीक है ना, घर के लड़के कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे उठक बैठक हो रही है, कोई टेंशन नहीं। बेटी है कहाँ जा रही है, किसके साथ घूम रही है, अच्छे कामों में इन्वॉल्व है, बुरे कामों में इन्वॉल्व है, कोई सोशल कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं, समझ गए। तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, बट ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरी तरह डिक्लाइन हो चुका है, पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट क्या बताया, फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अच्छी अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करना, सोशलाइजेशन का मतलब अच्छी अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करना, रैशनल डिसीजन लेना, एथिकल वैल्यूज, जो डिसीजन लेना वो अच्छी, वो आदतें आए उस पर जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना, जो आपको बोलते हैं ना कि ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये सब क्या है, फैमिली शुरू से ही सिखाती है अपने बच्चों को, इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बट ये जो है ये धीरे धीरे करके आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है, समझ गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली में क्या चेंजेस आ गए ये देख लिया, देखो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली में क्या चेंजेस आ गए ये समझ लिया, ठीक है। फंक्शन ऑफ द फैमिली में क्या देख लिया देखा, तो ये भी हमने समझ लिया कि सोशलाइजेशन हो गया, इसमें से यहाँ पे देखो ये सोशलाइजेशन एक पॉइंट हो गया, केयरिंग हो गया दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एजुकेशन वाला, चौथा पॉइंट सोशल कंट्रोल वाला, ठीक है ना। तो सब ऑर्गेनाइज मैनर में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चेंजेस आ गए हैं फैमिली के ही अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब क्या बताया हमें भाई, पहले क्या होता था कि जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर एक बना हुआ था, है ना, एक अथॉरिटी का स्ट्रक्चर होता था कि हेड ऑफ द फैमिली होते थे, ग्रैंड पेरेंट होते थे, ग्रैंड फादर होते थे, ग्रेट ग्रैंड फादर अगर है तो वो होते थे, है ना। ये अब क्या हो गया, ये डिक्लाइन होने लगा है, ये जो अथॉरिटी का कंसेप्ट है ये जो वो अब क्या हो गया, लूज होने लगा है ना, कि मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर अथॉरिटी। किसको, अब किसकी अथॉरिटी चलने लगी है घर में, अथॉरिटी क्या बोलेंगे उसको, आप बोलेंगे कि अब उसका असर्टनेस बढ़ गया, किसका, जो ब्रेड विनर होता है फैमिली का। पहले क्या होता था कि आप भले ब्रेड विनर हो गए लेकिन जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था फैमिली में उसी का ही चलता था, लेकिन आजकल जो पैसे कमाता है उसी की तूती बोलती है, ठीक है ना, और कोई उधर पे किसी का असर्टनेस देखने को नहीं मिलता। तो पहले रिलेशन क्या था, अथॉरिटी, अथॉरिटी होती थी किसकी, है ना, अथॉरिटी होती थी एल्डर पर्सन जो भी होते थे, है ना, एल्डर पर्सन, ठीक है ना, वही हेड ऑफ द फैमिली होते थे, हेड ऑफ द फैमिली। बट अब क्या हो गया, नाउ किसका असर्टनेस बढ़ गया, असर्टनेस बढ़ गया आपका, जिसको बोलते हैं ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, है ना, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ठीक। वहीं पर क्या बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो गया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये न्यूक्लियर फैमिली आ गई है ना, न्यूक्लियर फैमिली है। पहले कंसेंट्रेशन ऑफ पावर कहां पर रहता था, हेड ऑफ द फैमिली में। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है ना, पति पत्नी दोनों के बीच में। उसके साथ साथ जो मैरिटल रूल्स होते थे, है ना, पहले जो मैरिटल रूल्स थे अलग तरीके के मैरिटल रूल्स थे, अब न्यूक्लियर फैमिली के आने के बाद ये जो मैरिटल रूल्स हैं, है ना, शादी शादी वगैरह के जो कायदे कानून होते थे, ये जो चले आ रहे थे शुरू से, ये सब चीजें अब चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। पहले क्या होता था, टोटल सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन था टूवर्ड्स मैन, है ना, अब ये क्या हो गया, ये डिक्लाइन हो रहा है ना। पहले क्या था, वुमेन का टोटल सबऑर्डिनेशन था,
टोटल सबऑर्डिनेट माना जाता था, किसके? टोटल सबऑर्डिनेशन टू मेन, ठीक है ना। और पहले क्या थी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रोल होता था फादर का टुवर्ड्स। पहले फादर का रोल कैसा होता था? फादर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, है ना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रोल होता था, डिसिप्लिन रोल होता था काहे के प्रति, अपने चिल्ड्रंस के प्रति। अब आप देखो ये दोनों ही चेंज आपकी चेंज होती जा रही है ना, ये चेंज होती जा रही है, समझ में आया। पहले क्या था, सबमिसिव एटीट्यूड था, सबमिसिव एटीट्यूड फैमिली मेंबर्स का, है ना, कि भाई जैसे दादाजी जो बोले हमको वो मानना पड़ता था, पिताजी जो बोले वो हम मानते थे, है ना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या हो रहा है, सबमिसिव एटीट्यूड नहीं हो रहा, असर्टिव हो रहा है ना, असर्टिव एटीट्यूड, असर्टिव एटीट्यूड। नहीं ऐसा, आप सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनसे तेज आवाज में बात कर सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, क्योंकि भाई मॉडर्निज्म आ गया है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन आ गया है। हम ऐसा करेंगे तो हम थोड़ा सा अच्छे दिखेंगे कि भाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, है ना। ये सब चीजें हो रहा है, तो ये सब चीजों के चक्कर में क्या हो रहा है कि भाई ये जो असर्टिव एटीट्यूड है वो बढ़ रहा है ना। इंटरपर्सनल रिलेशन, मैंने आपको क्या बताया था, पहले दादाजी और पिताजी से बात करने का तरीका दूसरा होता था, आजकल आप उन पर चिल्ला सकते हो, आजकल आप उनको मार सकते हो, आजकल आप उनको बुरा भला बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका असर्टिव एटीट्यूड आ गया, ठीक है ना। और ये सबको किसके कारण हो रहा है, तो आपको पता है, ये सब, ये जो हम ब्रेड विनर बन जाते हैं, हम एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन ले लेते हैं, इन सब चीजों के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो असर्टिव एटीट्यूड है ये बदल रहा है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। पहले क्या था, ये रिलेशन कैसा था, कलेक्टिविज्म था, है ना, कलेक्टिव कलेक्टिविज्म था, कलेक्टिविज्म रूल था, है ना, कि भाई कलेक्टिविज्म था तो सब एक साथ रहते थे, एक मिलजुल करके कॉमन रिसोर्सेस पूल करके उसको शेयर करते थे, है ना। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इंडिविजुअलिज्म आ गया। अब क्या है, इंडिविजुअलिज्म आ गया। इंडिविजुअलिज्म मतलब सारे स्फीयर में समझो कि भाई मेरा है, मेरी प्राइवेसी है, मैं काम करूंगा, आप कौन होते हो इसमें दखल अंदाजी देने वाले, है ना। मैं, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करूंगा, है ना। मैं वो वाला काम क्यों करूंगा जो आप बोल रहे हो, मेरे को भाई ये वाला सब्जेक्ट लेना है, आप कौन होते हो बोलने वाले, ठीक है ना। तो ये जो इंडिविजुअलिज्म है ये बहुत ज्यादा यंगर जनरेशन में इंक्रीज हो रहा है ना। वो जो टोटल सरेंडर पहले होता था कि अपनी फैमिली के प्रति, अपने फैमिली के इंटरेस्ट के प्रति, अपने जो एल्डर्स लोग हैं उनके प्रति, अब वो जो टोटल सरेंडर का एटीट्यूड था वो सब खत्म हो गया। असर्टिवनेस बढ़ गई है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया है, अब लोग कलेक्टिविज्म नहीं, अपनी फैमिली का ज्यादा कम सोचते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना। इतना भी सोच लेते हैं कि भाई अलग रहना मेरे को फैमिली से, क्योंकि मेरी वहां पर बन नहीं पाती, घिचकिच होती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअलिज्म के कारण हो गया, समझ में क्या। वहीं पर अगर मैं बात करूं, और ये सब पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है इसके कारण भी, जो ये एक चीज और बोल सकते हो कि किनशिप, आपको मैंने पढ़ाया था, किनशिप भी थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है ना। किनशिप, किनशिप मतलब जो रिश्तेदारी है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो रही है, ये पॉजिटिव मैनर में भी आप बता सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है मतलब टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन भी बढ़ रहा है ना, और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो देखो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, अब आप वीडियो चैट कर सकते हो अपनी फैमिली, अपने जो भी रिश्तेदार है ना, फिर उसके साथ टेक्स्ट चैटिंग कर सकते हो, वीडियो चैटिंग कर सकते हो, दिन में 10 बार बात कर सकते हो, प्लस कभी भी मन किया तो आप प्लेन के थ्रू, अब देखो हार्डली 2-3 घंटे में इंडिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, समझ में। उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आज बहुत ईजी हो चुके हैं, आप इजी एक्सेस कर सकते हो और इजी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आपका, समझ में। तो इसके कारण जो किनशिप है वो भी इम्प्रूव हो रही है, समझ में ना। तो अब मैं आपको ओवरऑल सारे पॉइंट बता दिया हूँ, अब आप इसको एडजस्ट कर लेना कि ये पॉजिटिव में जाएगा कि ये नेगेटिव में जाएगा। आंसर में आपको ऐसे लिखना है कि 3-4 पॉइंट पॉजिटिव के बता दो, 3-4 नेगेटिव के बता दो, समझ में क्या। तो फैमिली में क्या क्या हुआ समझ में आ गया ना। फैमिली में हमने क्या क्या देख लिया कि भाई जो भी चीजें थी अब सारी देख ली, अब आपको समझ में आ गया फैमिली में क्या। वही अब देख लेते हैं कास्ट सिस्टम में, है ना, इम्पैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम।
कास्ट सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ा है भाई। तो पहले मैंने क्या बताया कि ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसी थी, ट्रेडिशनली जो सोसाइटी थी है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी का क्या फीचर था, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी आपकी जिसको बोलते हैं प्योरिटी ऑन पॉल्यूशन पर बेस्ड थी है ना, बेस्ड ऑन जो छुआछूत वाला कंसेप्ट आप जानते हो, बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें क्या था, हायरार्की बेस्ड था है ना, इसके साथ साथ ये क्या था, ये सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट था है ना, कॉन्टेक्ट जो मैंने बताया था ना कि भाई स्ट्रिक्ट सेपरेशन रहता था, कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं रखते थे, सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट था। वहीं पर क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर था, इन सब में एक चीज की एंट्री होती है जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसने क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बढ़ा दी, इसके कारण क्या हो गया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है ना। और आजकल जिसके पास पैसा है वो इन सब चीजों में ध्यान नहीं दिया जाता। उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, उसके साथ साथ लिबरल थॉट्स आ गए है ना, लिबरल थॉट्स आ गए, लिबरल थॉट्स आ गए, इसके कारण क्या हो गया, इन सब ने क्या कर दिया, ये जो लिबरल थॉट्स है, एजुकेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, प्लस जो वेस्टर्न आइडियाज हैं है ना, वेस्टर्न आइडियाज हैं, ये सबनों, इन सब ने क्या कर दिया, इन सब ने वीक कर दिया किसको, ये जो चल रहा था है ना, वीकेंड वीकेंड कर दिया, इन सब चीजों को वीक कर दिया, कास्ट सिस्टम को, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज जो है अब कॉमन होने लगी है समय का, और वो एक्सेप्टेड भी होने लगी है सोसाइटी के द्वारा। जो ट्रेडिशनली डिवीजन ऑफ लेबर था वो ब्रेक डाउन होने लगा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा है, ठीक है ना। ये ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिवीजन ऑफ कहाँ गया, ये डिवीजन ऑफ लेबर था लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो उसके कारण क्या हो गया कि भाई इसने इन सब चीजों को शैटर कर दिया, खत्म कर दिया, समझ में गया ना। वहीं पर मैंने बोला आपको कि जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन जो मीडियम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों को, इसके कारण जो ये कास्टिज्म की फीलिंग थी अब वो धीरे धीरे कम कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि भाई अब उठना बैठना ज्यादा पड़ रहा है, काम की बातें ज्यादा हो रही है, इन सब चीजों के लिए ध्यान ही नहीं जाना है, ठीक है ना। उसके साथ क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किस चीज को जन्म दिया, तो याद करो इनके कारण अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है। जब अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था, अर्बनाइजेशन के कारण सेकुलर पैटर्न होता है ना, सेकुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, ऑफ सेटलमेंट एंड लिविंग है ना भाई, आपके रहने का तरीका और जिस सोसाइटी में आप रहोगे वहां पर अब क्या होगा, यहाँ पर सेकुलर पैटर्न बनने लगेंगे, जो कि आपको सेकुलर पैटर्न जब होगा तो आपको नहीं लगता सेकुलर, एक साथ रहोगे, एक साथ रह रहे हो, एक ही सेटलमेंट में रह रहे हो, तो ये ब्लो करेगा ना इसको, ये जो सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट, पहले सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट था, अब ये इस चीज को क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि भाई अब क्या हो गया, कॉमन सेटलमेंट है और सेकुलर सेटलमेंट है, तो इस आधार पर ये जो हम बोल रहे थे कि पहले सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट होता था, अब वो सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होगा, अब क्या होगा, अब आपका सेकुलर पैटर्न होगा ऑफ सेटलमेंट, उसके कारण क्या होगा, ये जो पहले सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट था अब वो सब चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी, समझा गया ना, बोलो क्लियर है ना। पर ये बात अभी भी याद रखना है कि कास्ट सिस्टम थोड़ा सा चेंज तो हुआ है बट स्टिल अभी भी कंटिन्यू करता है, और वो भी रूरल एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यू करता है ये, ठीक, अर्बन एरियाज में, क्योंकि सेकुलर सोसाइटी जो सेकुलर पैटर्न पैटर्न है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, तो आपको पता है वो आपका अर्बन एरियाज में हो रहा है, रूरल एरियाज में कम हो रहा है, समझ में आ गया ना। तो इस कारण क्या हो रहा है आपका, ये जो सेकुलर पैटर्न है अर्बन एरियाज में ये सारे फीचर ज्यादा देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज में कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सोसाइटी कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए ये मैंने आपको बता दिया, फैमिली में क्या सिस्टम चेंजेस आए ये मैंने आपको बता दिया, इंडियन कल्चर में क्या सिस्टम आया ये मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं फटाक से कि भाई यूथ्स में क्या चेंज आए, ठीक है ना, यूथ में जो इंडिया के यूथ्स हैं उनमें क्या चेंजेस आए, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट ऑन यूथ्स,
यूथ्स, ठीक, यूथ्स ऑफ इंडिया। ठीक, देखो ग्लोबलाइजेशन आने के कारण आपको पता है इतनी सारी चीजें आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, एजुकेशन सिस्टम आ गया है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, है ना। इसके कारण क्या हो रहा है आपको पता है कि भाई मोबिलिटी बढ़ गई है, उसके कारण क्या हो रहा है। अब वैसे भी इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन काहे की है, यंग की पॉपुलेशन है ना, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको भी अगर देखें तो यंग पॉपुलेशन की असर्टिवनेस बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी तेजी से हो रही है इंडिया में, उसके कारण क्या हो रहा है जो अगर हम इसको देखते तो उसका जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा ये दोनों तरीके से हो रहा है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। अब देखो कैसे पॉजिटिवली और कैसे नेगेटिवली हो रहा है, इस चीज को समझो आप। जैसे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, एक तरफ तो अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है ना, अर्बन पॉवर्टी जो बढ़ रही है जिसने क्या कर दिया है कि भाई आपको एक गैप बना दिया है ना। अर्बन पॉवर्टी मतलब लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, और वो कौन माइग्रेट करता है तो आपको पता है वो आपके जो यंगर जनरेशन होती है वही मूव करती है, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी। बट वहां पर जाकर के मैंने आपको बताया इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि वहां पर भी आपको अर्बन पॉवर्टी देखने को मिलती है। आप यहाँ से गए थे जरूर काम करने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर के आपको पता चला कि भाई इतना ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर है अर्बन सिटीज में, है ना, तो इसके कारण वहां पर आपको पॉवर्टी का कंसेप्ट देखने को मिलेगा अर्बन में भी, है ना, क्लियर ना। अब एक चीज और समझो कि भाई एक चीज समझो कि अर्बनाइजेशन आने के कारण क्या हो गया है कि भाई यंग जो पीपल है उन्होंने उनको एक फ्रीडम मिल गई है, काहे को, फ्रीडम टू ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स, है ना, ये हो रहा है। यंगर जनरेशन जो ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स है और प्रैक्टिस थे, है ना, जो रूरल एरियाज में ज्यादातर डोमिनेट करता है, वहां से वो क्या कर रही हैं, अपने आप को डिटैच कर ले रहे हैं, और उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो सिटी में देखने को मिलती है वो उनको अट्रैक्ट करती है, तो वो इन चीजों को छोड़ छाड़ करके कहाँ मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। क्यों? क्योंकि अर्बन में एक सेकुलर पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको क्या बताऊं कि भाई अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और वो भी मैंने आपको क्या बताया, जितना ज्यादा माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज में, ये सोच करके कि भाई वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाएंगी, बट आप ये भी देखो कि इतना पेस से माइग्रेशन हो रहा है, आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इसके कारण क्या देखने को मिल रहा है कि आपको वहां पर जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है, उसके कारण आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई देखने को मिलते हैं, और जो अर्बन पॉवर्टी का कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये जो यंग माइग्रेशन है उनको आपको होता है पुश हो जाते हैं, पुल होते हैं, वो सब हमने देख ही लिया था, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो आजकल की यंगर जनरेशन है उनमें क्या हो गया है, कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। तो पहला याद रख लेना कि इम्पैक्ट क्या हो गया है, तो भाई आप बोलोगे रूरल और रूरल एरिया से माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन वाला एक इम्पैक्ट बता दोगे आप, माइग्रेशन काहे में अर्बन एरियाज में ये इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये एक पहला है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बता दोगे इसमें कि भाई ये जो यूथ्स हैं वो आपका जो सोशल बॉन्डिंग ट्रेडिशनल जो बॉन्ड्स होते थे, ट्रेडिशनल बॉन्ड्स एंड ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स होते थे उसमें से अपने आप को डिटैच कर ले रहे हैं, ठीक है ना, डीअटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अब देखो जो यूथ्स हैं उनमें कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है ना, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म मतलब भोगवाद जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई मटीरियलिज्म बढ़ता है ना, मटीरियलिज्म बढ़ रहा है, इसीलिए आजकल भाई हर जनरेशन के लोगों को देखो कितने वो सब का ख्वाब क्या होता है कि भाई हमको अमीर बनना है और जितना ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद सकते हैं वो खरीदना है, समझ में आ गया। तो ये दोनों तरीके से आप देख सकते हो, इसके कारण क्या हो रहा है, एंटरप्राइजेस भी बढ़ रहे हैं यंग जनरेशन में, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि भाई डिप्रेशन का केस भी बढ़ता है, तो ये सब के कारण क्या हो रहा है, एक तरफ एंटरप्राइजेस बढ़ रहे हैं, है ना, एंटरप्राइजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है, दूसरी ओर वहीं पर जब ये सब चीजें नहीं होती और इतने सारे इनके नीड्स हैं, है ना, और वैसे भी गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि भाई दुख का कारण क्या होता है,
पूरी दुनिया में, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ डिजायर है, तो जो आपके अंदर डिजायर होती है, चाह होती है, वही होती है ना, वही हमको अल्टीमेटली दुख की तरफ ले जाती है। तो कंज्यूमरिज्म मटेरियलिज्म बढ़ने के कारण एंटरप्राइजेस बढ़ रही है और डिमांड सप्लाई भी बढ़ता है इकोनॉमी में, है ना, डिमांड सप्लाई बढ़ता है ना, तो उससे क्या होता है कि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह का जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वो सबकी ग्रोथ होती है, तो पॉजिटिव में लिख दोगे। वहीं पर नेगेटिव्स में क्या होगा, तो भाई ये डिप्रेशन वगैरह का जो केसेस बढ़ रहा है ना, डिप्रेशन वगैरह, क्योंकि जब उनको ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, वो अपने दिमाग को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई डिप्रेशन जैसे केस आपको देखने को मिल जाएंगे, समझाएगा ना, क्लियर है। करियर बेस्ड सर्विसेज बढ़, इसके कारण क्या हो रहा है, करियर बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं वो बढ़ती हैं, जैसे सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इनको ये हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स होती हैं, तो इनमें भी लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है ना, क्योंकि भाई अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको इम्प्रूव करना है, रिच बनना है, तो इसके कारण वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंटरप्राइजेस भी बढ़ रहा है, प्लस उनका मूवमेंट होता है काहे में, तो आप बता दिए हो काहे में कि भाई जैसे सिविल सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है ना, जो हाई पेड जॉब्स हैं, हाई पेड जॉब्स हैं, उनकी तरफ मूवमेंट बढ़ रहा है, किनका, इनका, जो भी यूथ्स हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सब चीजें एम्बिशंस हैं उनका टू बिकम रिच, है ना, ये सब चीजों के कारण वो इस चीजों में मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। वहीं पर मैं आपको बोलूं कि भाई मटेरियलिस्ट होने के कारण क्या क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उनका जो वे ऑफ लिविंग है ना, जो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस थे वो उसको छोड़ते हैं, ठीक है ना, कंजम्पशन, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड होती है एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी हो, है ना, जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रोक टोक ना हो, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी जैसा इंटीग्रेशन हो जाए, तो इसका डिमांड करते हैं यूथ्स, ठीक है ना, तो ये सब आप ये सारे पॉइंट्स आप उसको बता दोगे, ठीक है, तो और जो भी पॉइंट आप जानते हैं वो सब आप इस पर लिख देना कि भाई हाँ यूथ्स का कैसे इम्पैक्ट करता है। हाँ, लिव इन वगैरह का कंसेप्ट बढ़ रहा है, वेस्टर्न आइडियाज को देखो, ये जो वेस्टर्न आइडियाज हैं है ना, वो इन पर बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न आइडियाज बढ़ रहे हैं, तो भाई इसके कारण जो सेकुलर थिंकिंग है वो बढ़ रही है ना, पहले की सोसाइटी बड़ा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव होती थी, अब नहीं है, सेकुलर सोसाइटी बढ़ रही है, वेस्टर्न आइडियाज बढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उसके कारण राइट्स की बात होती है ना, वुमेन्स के बीच में मेल और फीमेल इक्वालिटी की बात होती है अब, ठीक है, इक्वालिटी की बात हो रही है मेल की, इसके साथ साथ अब जो ये जो कोहैबिटेशन वगैरह हो रहे हैं ये भी बढ़ रहे हैं, कोहैबिटेशन वगैरह का बढ़ावा देखने को मिलता है, कोहैबिटेशन मतलब जैसे लिव इन हो गया, लिव इन रिलेशनशिप होता है ना, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये सब आप बता सकते हो जितने भी पॉइंट आप जानते हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे और कर ही रहे हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे, ये भी देखने चलते हैं, ठीक है ना। जो रिलीजियस एक्टिविटीज है वो इनके लिए, यूथ्स के लिए इररिलेवेंट हो चुकी हैं, है ना, ये चेंजेस चाहते हैं रिलीजन में, ये जो ट्रेडिशनल आइडियाज थे, ट्रेडिशनल लाइंस पर जो आइडियाज बेस्ड थे उनको ये क्वेश्चन करते हैं, अब वो उनको सिर्फ एक टॉलरेशन की तरह देखते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि इनमें कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो ये सब आपको पता ही है कि हाँ ऐसा कुछ चाहते हैं यूथ्स, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई इसके कारण ये जो मान लो कि आप हाँ जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है ट्रेडिशनल नॉर्म्स का, ये भी हो रहा है, वीकनिंग ऑफ सोशल रिलेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया ये जो फैमिली का ब्रेक डाउन हो रहा है, मैरिज का ब्रेक डाउन हो जा रहा है, समझ में आ गया, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि भाई सोसाइटी का आप बोल सकते हैं एक तरीके से, जो अभी पढ़ा था कि फैमिली ब्रेक डाउन हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, प्लस हाँ इनका यूथ्स का आप ये बता सकते हो असर्टिव एटीट्यूड बन गया है ना, अब सबमिसिव एटीट्यूड नहीं रहा, इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा फोकस करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, अपने पर ज्यादा देखने को करते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा पहले की तरह ये रिस्क टेकिंग हो गए हैं, एडवेंचरिस्ट हो गए हैं, है ना, अब जो पहले मान लो अब ये रिस्क टेकिंग होते हैं, मतलब क्या है कि भाई ये मतलब कि अब डरते नहीं है, पहले क्या होता था कि डरते थे इन सब चीजों को यूज करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, अब थोड़ा सा इतना ये वेस्टर्न आइडियाज, एजुकेशन और इस सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, वो रिस्क वगैरह लेने से नहीं डरते हैं, ये सब चीजें वो मतलब इन सब चीजों को मतलब एडॉप्ट कर रहे हैं वो, समझ में आ गया ना,
तो ये सब चीजें आप देख लेना। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, ये सब आप बता देना। लेकिन वही है, इनके कारण फिर आप बता दोगे डिप्रेशन वगैरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि सोशल चेक नहीं हो पाते है ना, इनका बेटर तरीके से सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं, कलेक्टिविज्म पर करते हैं, तो क्या होता है कि भाई इन पर सोशल चेक्स नहीं होते और जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर होती है, इस कारण क्या हो रहा है आसानी से डिप्रेशन वगैरह में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बोलो डन। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसके साथ साथ ये आप ज्यादा क्लोज नहीं रहते हैं अपनी ओल्डर जनरेशन के साथ साथ, लॉस ऑफ विजडम बोल सकते हो आप, कि बहुत सारी चीजों में लॉस ऑफ विजडम भी हो गया। ठीक है,